दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2020 की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों की पोस्ट मैट्रिक की सत्र शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वो आना स्टार्ट हो गई है और इसका लाइव प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। ढेर सारे प्रूफ दिखाऊँगा आपको कि स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए, लगातार जो कमेंट्स करके पूछ रहे थे, तो स्कॉलरशिप आना जो है स्टार्ट हो गई है। और पीके एजुकेटर चैनल से सबसे पहले आपको ये खबर दी जा रही है, सबसे पहले जानकारी देने वाला चैनल पीके एजुकेटर, वर्ष 2019-20 की स्कॉलरशिप आना पोस्ट मैट्रिक की स्टार्ट हो गई है। जब प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले पीके एजुकेटर चैनल ने जानकारी दी थी और उसके पहले जब पिछले सत्र यानी 2018-19 की SC/ST की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई थी तब भी सबसे पहले पीके एजुकेटर चैनल के द्वारा ही आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। तो एक बार फिर से सबसे पहले और सबसे सही सटीक जानकारी विद प्रूफ के मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। स्कॉलरशिप आना बिल्कुल स्टार्ट हो गया, तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसी ही ताज़ा तरीन यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी अपडेट्स के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रूफ है, लैपटॉप पे ये देखा गया था PFMS पर और उसके बाद उसकी फ़ोटो ली गई है, पिक ली गई है, ठीक है। आपको पूरा देखिए डिटेल के साथ हम अगर दिखाएं यहाँ पर स्पष्ट, देखिए जो इनके बैंक का नेम है वो पंजाब एंड सिंध बैंक है, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से आगे के हाइड कर दिए जाते हैं, केवल लास्ट के 4 डिजिट आपको नज़र आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स का आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्कीम नेम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये SC के स्टूडेंट्स हैं और SC के स्कीम नेम में पहले भी हमने आपको बता चुका है कि क्वेश्चन मार्क्स बन के आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पर्पज़ देख लीजिए, पर्पज़ है। इसके बाद एजेंसी नेम है और ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा प्रूफ आप देख लीजिए, इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 12 जनवरी 2020 को ही शो होना स्टार्ट हो गई थी और इन्होंने जो चेक किया है वो रात में 12:03 पर चेक किया है। तो आप टाइम और डेट पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब चलिए अमाउंट हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इनकी स्कॉलरशिप आ गई है लेकिन अभी इनके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, अंडर प्रोसेसिंग बैंक है CBS, ठीक है। और आप डेट देख जानते होंगे जो स्टूडेंट्स पिछले वर्षों से जुड़े हैं हमसे कि जब स्कॉलरशिप शो होती है तो शुरू में डेट जो है वो ऐसे ही दिखाई जाती है 01-01-001, ये डेट उस दिन सही हो जाएगी जिस दिन यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS हटकर सक्सेस हो जाएगा स्टेटस, उस दिन यहाँ पर उसी दिन की सही डेट भी आपकी पड़ जाएगी, तो ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट उन्होंने देखिए जिन स्टूडेंट का, उनका हम थैंक यू करते हैं आकाश को, लेकिन उन्होंने कहा था कि सर हमारी जो अमाउंट है उसको आप हाइड कर दीजिएगा, तो अमाउंट हमने हाइड कर दी है। तो ये रहा प्रूफ पहला, चलिए कुछ और आपको प्रूफ दिखाता हूँ। कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि ये फेक जानकारी है लेकिन जिनको हम पर भरोसा है तो भरोसा रखें, बिल्कुल कंफर्म और 100% सही जानकारी है, स्कॉलरशिप जो है 2019-20 की वो शो होने लगी है, आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ। चलिए और कुछ प्रूफ हैं वो भी दिखा दूँ आपको। तो चलिए अगला प्रूफ ये देखिए, इसके पहले हमने ये वीडियो अपलोड की थी, आप देख सकते हैं ये हमारे क्रिएटर स्टूडियो है हमारे चैनल का, तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, तो चलिए उन्हीं कमेंट्स में मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से अगर आप नीचे जाएँ और नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप इनका पढ़िए, जो विपुल पटेल है इन्होंने कमेंट क्या किया है कि मेरा PFMS पर शो हो रहा है आज से, MTech सेकेंड ईयर है इनका, ठीक। इसके बाद चलिए और आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक मिनट ये देखिए मेरे फ्रेंड्स का शो हो रहा है BTech। चलिए इसमें अभी और एक रिप्लाई है उन, ये देखिए विपुल पटेल ने यहाँ पर भी कहा है कि मेरा भी, तो अगर ठीक है कुछ लोग हमको कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स झूठ नहीं बोल सकते, आपके सामने कमेंट से प्रूफ दिखाया हूँ, साथ में PFMS का आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, तो बिल्कुल 100% सही जानकारी है अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। कुछ हेटर्स होते हैं जो लगातार हर वीडियो में कमेंट्स करके डिस्टर्ब करते हैं कि फेक बताता है, बोर हो गया मैं तेरी वीडियो से, तो ऐसे कमेंट्स तो उनको करने दीजिए, उनको मैं कोई महत्व तो नहीं देता हूँ, उनका काम है ऐसे ही कमेंट्स करना, वो करते रहें, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए जो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, हमको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हमारा काम है जेन्युइन न्यूज़ उनको देना। तो चलिए अब आप लोगों के लिए क्या काम करना है बताएं।
तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि जो है यूपी स्कॉलरशिप 2019-20 की वो खातों में आना यानी पीएफएमएस पर शो होना शुरू हो गई। तो आपको क्या करना है रोज, देखिए हम आपको बताएं। यहाँ पर आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है मोबाइल पे और उसमें सर्च करना है सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल डॉट कॉम। सर्च करके आप जब सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मेरा जो डाटा है थोड़ा स्लो होने की वजह से वेबसाइट लोड होने में समय लग रहा है, तो कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है, देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको नीचे चला जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा होगा चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करके और अकाउंट नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको कर देना है क्या क्लिक। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको अपना बैंक के जो शुरू के 4-5 अक्षर हैं, डिजिट है, उनको डालना है। उसके बाद यहाँ से लिस्ट आएगी, उससे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर कन्फर्म कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो ये कैप्चा नज़र आ रहा है इसको इस बॉक्स में कर देना है फिल, और उसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट होगा नीचे ऐसे शो हो जाएगा जैसा मैंने आपको आगे दिखाया, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने हमको कमेंट भी किया था कि इतना अंदर घुसकर जानने की क्या ज़रूरत है, एक मिस्ड कॉल से बैंक बैलेंस चेक हो जाता है। तो भैया बैंक बैलेंस आपका तब चेक होगा जब बैंक में आपकी स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगी, और बैंक में स्कॉलरशिप क्रेडिट होने से कम एक सप्ताह पहले आपको यहाँ पर पीएफएमएस पर शो हो जाएगी। एक सप्ताह पहले आपको पता हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, लेकिन बैंक में यहाँ शो होने के एक सप्ताह के बाद आपके बैंक में वो स्कॉलरशिप जो है क्रेडिट होती है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बड़ी खबर हमने दी है, 2019-20 की सबसे बड़ी खबर, स्कॉलरशिप आने की सबसे बड़ी खबर, और सबसे पहले पीके एजुकेटर चैनल ने आपको दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो पीके एजुकेटर चैनल की वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के साथ, साथ ही पीके एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।